जयकार शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। चैत्र नवरात्रों का तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन, तीसरे दिन में माँ के जिस रूप की आराधना करते हैं वह नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा नाम माँ का है। ये नाम क्यों है ऐसा मैं भी आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, नवरात्रि के तृतीय दिन जब हम माँ चंद्रघंटा के रूप नाम की पूजा करते हैं, पहला माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारी। यानी जब सती ने जन्म लिया तब शैलपुत्री बनी, और शैलपुत्री के बाद उन्होंने शिव को पाने के लिए तपस्या में लीन होकर अपने आप को ब्रह्मचारिणी नाम धराया। उसी रूप में जब माँ का सालों बाद तप पूरा हुआ तब प्रभु भोलेनाथ प्रकट हो गए, और प्रभु भोलेनाथ के प्रकट होने पर प्रभु ने कहा कि तुम क्या वरदान चाहती हो। माँ शैलपुत्री ने कहा कि प्रभु मुझे आपसे विवाह करना है। ऐसा सुनकर प्रभु भोलेनाथ उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने ये वरदान माँ को दे दिया। अब माँ को वरदान तो दे दिया, लेकिन माँ मैना देवी और हिमावत राजा की बेटी हैं। जब पिता और माँ को पता चला कि बेटी जिस से विवाह करना चाहती हैं वो देवों के देव महादेव हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, जो पहाड़ों पर रहते हैं, जिनकी वेशभूषा के बारे में सब जानते हैं, ऐसे में माता पिता ने विवाह कराने के लिए मना कर दिया। पर माता पार्वती का जो रूप है, माँ को तो पहले ही वरदान की प्राप्ति हो चुकी थी। सभी देवी और देवताओं ने उनके माता पिता को समझाया कि इनका जन्म प्रभु से विवाह होने के लिए ही हुआ है, ऐसे में आप कोई विघ्न बाधा प्रकट ना करें और इस विवाह को करने की अनुमति स्वयं प्रदान करें। जब सबकी बातें सुनी तो दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। विवाह का समारोह शुरू हुआ, और जब विवाह के लिए बारात वहाँ से चलकर आई तो सब जानते हैं कि उस विवाह में जो बाराती थे, जब बारात चली और जितने बाराती थे वो सब कौन थे, कोई गण थे, कोई दानव थे, कोई राक्षस थे और कोई देवता थे। लेकिन जैसे ही बारात द्वार पर पहुंची, सबसे पहले माता की जो महामाई की माँ हैं मैना देवी, उन्होंने देखा और प्रभु को विचित्र रूप में देखकर, जिनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई है और गले में नाग है, ऐसी विचित्र काया को देखकर, हाथ में बड़े बड़े सर्प लिए हुए हैं और बैल पर उनकी सवारी करते हुए देख मैना देवी बेहोश हो गई, और जब उन्हें ऐसी मूर्छा आई सब भयभीत हो गए। तब माँ ने, जो शैलपुत्री माँ है, उन्होंने एक रूप धरा और उस रूप को धरकर वो भोलेनाथ के पास पहुंची और कहा कि प्रभु मेरी माँ को अपने इस रूप को देखकर मत डराओ, आप एक सुंदर रूप बनकर, दूल्हा बनकर मेरे से विवाह करने के लिए आओ, जिसको देखकर सारा संसार मोहित हो उठे। तो प्रभु मुस्कुराने लगे और माँ को कहा कि मैं तुम्हारी ये मन की इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तो जब माँ जिस रूप के लिए बात कर रही हैं कि अपना संदेश देने के लिए माँ वहाँ पहुँची, उस रूप को चंद्र घंटा कहा गया है। ये तृतीय रूप है माँ का, जिसमें वहाँ पहुँची और प्रभु ने मनोकामना पूर्ण की और उनका विवाह हो गया। ऐसे में
जब माँ का विवाह हुआ तब माँ चंद्र घंटा कहलाई। ये माँ का बड़ा ही सुंदर रूप है। इसमें माँ को शेर की सवारी प्रभु ने कराई और उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार किया। यानी अब जो माता सती का रूप बनकर जो आई थी, जो शैल पुत्री बनी, वो अब शिव की अर्धांगिनी बन चुकी है। ये तृतीय दिन जिस माँ को बताया गया है, उस माँ की मांग में लाल सिंदूर भरा गया है, माँ के वस्त्र जो हैं वो लाल हैं, माँ सिंह पर सवार होकर सृष्टि का भ्रमण करती हैं, माँ के तशु अस्त्र उनके बताए गए हैं, उनकी 10 भुजाओं का वर्णन यहाँ किया गया है। माँ बहुत ही सुंदर रूप में दिखाई गई हैं। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा का जब विवाह किया गया माँ का, तब माँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही सौम्य और आकर्षित रूप वाली माँ कहलाई। माँ को सुगंधित वस्तुएं अत्यधिक प्रिय हैं, क्योंकि माँ को श्रृंगार, सुगंधित वस्तुएं और लाल वस्त्र बहुत प्रिय हैं। उस माँ को चंद्रघंटा नाम धराया गया है। तो कहने का भाव ये है कि तृतीय दिन भी जो पूजा की जाती है वो चंद्रघंटा मात की जाती है। माँ के शीश पर अर्ध चंद्रमा विराजमान हुआ, जिस प्रकार प्रभु भोलेनाथ के शीश पर अर्ध चंद्रमा है, उसी प्रकार जब शिव के साथ उनका विवाह हुआ तब उन्हें उस रात चंद्र अर्ध चंद्र की प्राप्ति हुई, जिसलिए माँ का नाम चंद्रघंटा रखा गया। माँ की जो भक्त साधना करते हैं, माँ उन्हें वैभव की प्राप्ति देती है, माँ उनका दुश्मनों का नाश करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसार में जो राक्षस प्राणी हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, माँ अपने भक्तों की राक्षस योनि वाले प्रवृत्ति लोगों के साथ उनकी रक्षा करती हैं, क्योंकि माँ की 10 भुजाएं हैं, उनमें 10 शस्त्रों का उन्होंने लिया हुआ है, जिससे माँ जन का कल्याण करती हैं, अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ भय मुक्त हैं, माँ निडर हैं और माँ शिव के संग विराजमान हैं। जब शिव के संग माँ विराजमान हुई तो इस रूप को परिपूर्ण कहा गया। और माँ का तृतीय रूप की चर्चा अभी खत्म नहीं हुई। माँ को हम पूजा करते हैं जब तृतीय नवरात्रि में, तब माँ को सिंदूर अर्पित करते हैं, माँ को लाल चुनरी अर्पित करते हैं, उनके समक्ष भोग प्रसाद लगाते हैं, जिसमें हम मिठाई लगाते हैं, फल फूल देते हैं, माँ के श्री चरणों में रखते हैं, के साथ साथ आप माँ को शहद भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को शहद अति प्रिय है और आप इस शहद को माँ को भोग देकर अपना कल्याण कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान करता है, लगता है दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो आपके जीवन का कल्याण नहीं होने दे रहा, तो कल तृतीय नवरात्रि पर आप माँ के श्री चरणों में उस बच्चे का नाम बोल सकते हैं और माँ को शहद अर्पित कर सकते हैं। माँ जगत का कल्याण करने वाली है। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि जो साधक, जो भक्त माँ की सेवा करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें माँ क्या वरदान देती है। माँ ऐसे साधकों को जब हम कभी अचानक बैठे होते हैं और हमें ऐसी सुगंध आती है जो वहाँ पर नहीं होती, तो माँ यही वरदान देती है कि अचानक से सुगंध का एहसास होने लग जाता है। दूसरी ओर हमें जो अदृश्य है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, वो जब दिखने लग जाता है जिस साधक को, जिस भक्त को, तो समझना है कि माँ चंद्रघंटा की अपार कृपा उस बच्चे पर हो रही है। माँ बहुत करुणामयी है, माँ जगत का कल्याण करने के लिए अपने भक्तों को ये वरदान देती है। के साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, जो भी अदृश्य रूप से घटता है, जो भी सामान्य चीज़ों से हटकर जो आपके जीवन में घटित होता है, वो सब कुछ माँ चंद्रघंटा का ही आशीर्वाद है। आप सभी को इस कथा को सुनने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि ये कथाएँ पौराणिक हैं और इनको सुनने मात्र से ही
हमारी अंतः आत्मा का कल्याण होता है, के साथ साथ धर्म हमारा क्या है, इसमें छुपे हुए रहस्य क्या है, और ये सनातन धर्म इतना गहरा क्यों है, इस सब के बारे में मैं आपको धीरे धीरे कर कर बता रही हूँ। आप सब समझना कि माँ के प्रत्येक रूप की चर्चा अनंत चर्चा के समान है, कि मैं जितनी भी करूँ उतनी कम है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि आप सब पूजा पाठ करें तो माँ का उच्चारण अवश्य करना है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ऐ माई मेरी सचियां ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। और जिस प्रकार शिव संग माँ भवानी विराजमान हैं, मैं चाहती हूँ आपके जीवन में भी माँ सुख समृद्धि और कल्याण करे, आपको अच्छा जीवन मिले, बुद्धि मिले, आपका जीवन सरल हो, सौम्य हो, सुंदर हो, विनम्र हो, आप सबके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ, और माँ की तृतीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं।